कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को कौन दे रहा है धमकियां? मल्लिकार्जुन को कौन कराना चाहता है शांत? किसके निशाने पर हैं लोकसभा में विपक्ष के नेता? ये तमाम सवाल इसीलिए क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुलासा किया है कि उन्हें काफी वक्त से फोन पर धमकियां मिल रही है और इसकी शिकायत उन्होंने दिल्ली के तुगलक रोड थाने में दर्ज कराई है। कर्नाटक के कलबुर्गी में पत्रकारों से बात करते हुए लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से उन्हें फोन पर धमकाया जा रहा है। इस मामले को लेकर उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और गृह मंत्री राजनाथ सिंह को भी पत्र लिखा था। उन्होंने बताया कि वो इस मामले को ज्यादा तूल नहीं देना चाहते, इसलिए इसका जिक्र कम ही करते हैं। खड़गे ने कहा कि कोई मुझे कितनी भी धमकियां दे, लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। मेरी आवाज कोई नहीं दबा सकता। अपनी जिंदगी के राज खोलते हुए खड़गे ने बताया कि जब वो मात्र 6 साल के थे, तब उनके घर में अचानक भीषण आग लग गई थी। इस हादसे में वो बाल बाल बच गए थे, लेकिन आग ने उनके माता पिता को उनसे छीन लिया। उन्होंने कहा कि मुझे मौत आनी होती तो उसी वक्त आ जाती। अब मैं 76 साल का हो चुका हूँ तो ये ताकतें मुझे क्या रोकेंगी। वहीं जब उनसे पूछा गया कि इन धमकियों के पीछे किसका हाथ हो सकता है, तो उन्होंने किसी का भी नाम लेने से इनकार कर दिया और कहा कि जांच के बाद सब साफ हो जाएगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।